हेलो क्लास टेंथ, हम ये लेसन यहाँ से पढ़ रहे थे। मैडम राइट सुंदी, बस इसका थर्ड पार्ट है ये। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं। हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल पेंस टेकिंग इलेबोरेट प्लान सी हैड टू मेक इट फॉर इट। उसने अपनी पहली यात्रा के लिए कितनी सावधानी पूर्वक, कितनी परेशानी उठा करके और कैसे कैसे प्लान बनाए थे। सी हैड थ्रिफ्टीली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइंस केम हर वे। जो भी पैसे आते वो उसको कितनी मुश्किल से बचाती थी। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, और हर लालच को वो दबा देती थी, इनकी पेपरमेंट्स टॉयज बैलून्स एंड द लाइक। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसे, और आखिरकार उसने 60 पैसे बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, उसके लिए कितना मुश्किल था ये, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, इनके गाँव में जब विलेज मेला होता था उस दिन तो। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड, लेकिन उसकी एक बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी इनकी झूले पर झूलने की, उस पर भी उसने अपनी इच्छा को दबा दिया। इवन दो सी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसे थे। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, इनकी उसने फिर ठीक से पैसे बचा ली। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। तो उसकी अगली परेशानी क्या थी, उसकी माँ के बिना जानकारी के वो घर से कैसे जाए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, परंतु उसने ये सब कुछ बहुत बिना किसी कठिनाई के कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, और हर दिन लंच के बाद उसकी माता एक से चार बजे तक सोती थी। वली ऑलवेज यूज्ड दीज ओवर्स फॉर हर एक्सरसाइज, और वली इस जो ये घंटे थे उनको बाहरी जानकारी लेने के लिए लगाती थी। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जब वो अपने घर के दरवाजे से बाहर देख रही थी। एक मिनट रुकना भाई, कहीं पहुंच गए हम, इसको निकालते निकालते और उस पर हाथ लग गया। इसलिए जब वो अपने घर के दरवाजे से बाहर देख रही थी, उसके बाद यानी कि रोज़ वो कैसे अपना टाइम बिताती थी घर के दरवाजे के बाहर देखने में, ठीक है। तो उसके बाद का हमें पढ़ना है, और आज वो इन्हीं घंटों को काम बिता रही थी, बस में बिता रही थी, ठीक है। समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन टू द विलेज, और कई बार वो बाहर यानी कि गाँव में घूमने के लिए बिताती थी। टुडे दिस में सेम ओवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सरसाइज आउटसाइड द विलेज, और आज वो इन्हीं घंटों को अपने गांव से पहली बार बाहर जाने के लिए बिताएगी। द बस रोल्ड ओन हाउ कटिंग एक्रोस ए बेयर लैंडस्केप, और बस थी वो एक खाली धरती के ऊपर से एक कटिंग इनकी जो धरती है उसके ऊपर से कट मारती है, गोल घूमती है। नाउ रेसिंग थ्रो ए टीनी हेमलेट ओड पास्ट एंड ओड वे साइड सोप, और एक छोटी दुकान के पास से रास्ते की तरफ एक दुकान होती है उसके पास से गुजरती है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप, कई बार बस ऐसी दिखाई देती है जैसे आने वाली चीज़ों को खा जाती है। अनोदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स, जो कि आगे से आ रहे हैं वो उसको अपने अंदर डालती दिखाई दे रही थी उसको। देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और कई बार उसको रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देते। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन कितना अच्छा लग रहा था, कितना सब कुछ उसको शानदार लग रहा था। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, इनकी सारी परेशानियों बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए बस आगे जाती जा रही थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाई द साइड ऑफ द रोड, लेकिन पेड़ उसको भागते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब बस उनके पास से गुजर जाती थी तो वो उसको ऐसा ही खड़े हुए नज़र आते थे पेड़ उसको। बिफोर रसिंग अवे इन अदर डायरेक्शन, जबकि वो दूसरी दिशा में देखती थी तब सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अकस्माती वल्ली ने अपने हाथ खुशी से ताली बजाई। ए यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक छोटी गाय थी वो अपनी पूँछ को ऊपर उठाई थी। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, तेज़ी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रास्ते के बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, बस थी वो एक आवाज़ के साथ धीरे धीरे हो गई। द एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने अपना हॉर्न फिर से तेज तेज बजाया। बट मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और जितना वो हॉर्न बजाता
तो उतना ही जो पशु है वो डर जाता और तेजी से चलता। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा बस के सामने ही जाता वो। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली, ये वल्ली के लिए बहुत मजाकिया था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देर वर टीयर्स इन हर आइज, और वो जब तक हंसती रही तब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर। कंडक्टर उसको बुलाता है, ए लेडी तुम क्या ज़्यादा नहीं हंस ली हो, बेटर सेव फॉर टुमारो, कल के लिए थोड़ा बचा कर रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिरकार जो गाय थी वो रोड से हट जाती है। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और अब बस थी वो एक रेलवे रोड क्रॉसिंग के पास पहुंच गई थी। ए स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और ट्रेन थी वो थोड़ी दूरी पर बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और बड़ी होती जा रही थी जैसे जैसे ही नज़दीक आ रही। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोयर एंड रेटल, और तब ये क्रॉसिंग गेट से जोर जोर की आवाज़ इनकी दहाड़ती हुई खड़खड़ाती हुई आगे बढ़ जाती है, सेकिंग द बस, बस को हिलाती हुई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और तब बस चली जाती है और ट्रेन स्टेशन है वो भी चला जाता है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थ्रोफेयर, और यहाँ एक इनकी थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका था, ठीक है, शॉप वगैरह बिजी थी। और सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और कितनी सुंदर इनकी दुकानें हैं। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, कितने सुंदर सुंदर कपड़े दिखाए गए हैं। एंड अदर मर्चेंडाइज, और कितनी व्यापारी लोगों की और कितनी चीज़ें अच्छी है। सच बिग क्राउड्स, कितनी भीड़ है। स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, इनकी चुपचाप वल्ली है वो आश्चर्यचकित होती हुई हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गोट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, तब बस रुक जाती है और हर कोई वल्ली के सिवाय उतर जाता है। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये इतना ही दूर है जितना तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें लेकर आए। नो वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, नहीं ठीक है मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, और वो अपने 30 पैसे उतार निकालती है और कंडक्टर को दे देते। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या बात है। नो नथिंग द मैटर, कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, मेरे को केवल बस की यात्रा करनी थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइट्स, क्या तुमने दृश्य नहीं देखे। नाउ दैट यू आर हियर, अब तुम यहाँ हो। ऑल बाई माई सेल्फ, बिल्कुल अकेली। ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मेरे को वो डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, उसके कहने के तरीके से जो कंडक्टर था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। द कंडक्टर सेड बट यू आरंट अफ्रेड टू कम इन दी बस, लेकिन बस में आने से तुम नहीं डरी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं। इसी आंसर्ड उसने जवाब दिया। वेल देन वाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, चलो फिर स्टॉल पर चला जाए और कुछ पिया जाए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, और कहता है कि इसके बारे में कोई भी डरने की बात नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू यू ए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है तब मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ तुम्हारे लिए। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल, मुझे केवल मेरे टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, यही मेरी ट्रीट होगी और कोई ज़्यादा कीमत नहीं है इसकी। नो नो सी सैड फर्मली, प्लीज नो, कहती है कि दृढ़ता से कहती है कि मुझे और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और कंडक्टर ने उसकी बात मानी और उन्होंने आगे तक इंतज़ार किया जब तक कि वो लौट कर नहीं चले जाते। अगेन देर वरंट मैनी पैसेंजर्स, और आगे फिर अब भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे क्योंकि दोपहर का समय था।